ये आ गया जी आपका ग्रीन चिली, ये ऑनियन कितना ब्रेक कटा हुआ, ये क्या क्या होता है इसमें है, टमाटो बॉइल्ड आलू, बॉइल्ड बटाटा, कश्मीरी लाल मिर्च, अपना पाव भाजी मसाला, घर पे बनाया हुआ बिरयानी मसाला, जीरा धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी, ये हल्दी, ये स्पेशल घर पे बनाया हुआ गरम मसाला, और ये घर पे बनाई हुई पाव भाजी मसाला। हम सबसे पहले डालेंगे बटर, बटर के बाद आएगा थोड़ा सा जीरा, प्याज, शिमला मिर्च, तक इसको रोस्ट करेंगे थोड़ा सा। अब हम डालेंगे जो हमने सब्जियां रेडी की हैं, ये टमाटर, पोटैटो और मटर। जी अब हम डालेंगे अपने मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये आ गया जी पाव भाजी मसाला, ये आ गया धनिया जीरा पाउडर, तो बहुत थोड़ा सा जो हमारा स्पेशल पाव भाजी मसाला है। दोस्तों इसकी महक ना मुझे तो अभी से आने लगी, आपको महक तो नहीं आ रही होगी पर देख के मुंह में पानी आना शुरू हो गया होगा। लहसुन, ये लहसुन पेस्ट है। अच्छा, ये लहसुन का पेस्ट, लहसुन पेस्ट, क्योंकि जितना फ्रेश उतना अच्छा। तो ये क्या डालने जा रहा है जी, कश्मीरी साबुत लाल मिर्च का पेस्ट है, ये एक अच्छा टेक्सचर और कलर देता है। दोस्तों आपने पाव भाजी बनती है देखी होगी, बहुत मुझे नहीं लगता इस तरह की देखी होगी। हरी मिर्च का पेस्ट, ये हरी मिर्च का पेस्ट थोड़ा सा टैंगीनेस देते, थोड़ा सा स्पाइसीनेस बढ़ा दे इसकी। जी जी, ऑथेंटिसिटी देखा जाए तो ऐसे ही होती है। मुंबई का टेस्ट लेना है तो आपको सिर्फ अपनी आमची मुंबई तो आना पड़ेगा। जैसे अभी ये तीन रखे मैंने, इसमें क्या होता है जो आलू नहीं मिक्स हो रहा ठीक से, अच्छा तरीका इसको काटना है। यूजली एक में क्या होता है, एक में चौक एक ही करता है, और ये तीन में एक साथ बड़ा पीस कर दिया। अब आएगा नमक स्वाद अनुसार, ये आ गया जी नमक, क्योंकि हम इसमें ऊपर से भी अमूल बटर डालते हैं, इसलिए नमक का जो मात्रा थोड़ी सी कमी रखते हैं ताकि ये तो ओवर सॉल्टी ना हो जाए। अब आ गया हमारा घोटर, ये सब्जियों को एकदम बारीक काट देगा, बारीक बारीक एकदम, इतने आलू के चंक्स जो रह जाते हैं सर वो सब निकल जाएंगे इसके अंदर, मटर आलू टमाटर वो और बारीक हो जाएंगे, इससे जो कलर है वो और उठ गया है। फिल्टर वाटर सर, ये देखो दोस्तों इसमें और बटर डाला है, ये ऊपर से आ गया हरा धनिया, मेरा फेवरेट है, हरा धनिया से वैसे ही रंगत आ जाती है किसी चीज में, और बटर, ये आ गई कश्मीरी पेस्ट, एल्यूमिनियम में रैप कर देंगे सो दैट ये काफी देर तक गर्म रहे। पैकिंग का ऑर्डर था 2 प्लेट का, ये ऑर्डर गया। आप साफ सफाई देखो यहाँ पे, ये इन्होंने पैकिंग करके रखा हुआ है, जो पैकिंग का ऑर्डर होता है पतीलों में बना के रख देंगे तो वो मजा फ्लेवर उसका खराब हो जाता है। जितने ऑर्डर आए हैं उतनी बनाओ सो दैट उसका जो फ्लेवर है वो रहे। अगर कोई कस्टमर 75, 80, 100 रुपीज भी दे रहा हो पाव भाजी के लिए तो वो पैसा वसूल होनी चाहिए, फ्लेवर ही ना आए पाव भाजी का या खाने का कि बंदा खाए। खाना एक ऐसी चीज है जो आपका मूड चेंज करता है। ये अपने लिए बनने लगा है पाव भाजी, इसको ये अभी प्लेटिंग करेंगे तो फिर मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये हो गई अपने लिए प्लेट रेडी पाव भाजी की, क्या बात है। ये आ गया जी मक्खन, मक्खन देखो भाई ना भर भर के डालते हैं, ये खुद भी कहते खाओ भी दबा के और एक्सरसाइज भी दबाते करो, क्योंकि खुद स्पोर्ट्स मैन है। तो ये देखिए ऊपर से आ गया हरा धनिया, ये जी अपने पाव, पाव होने लगे गर्म, ये बटर और आ गया, ये इसके ऊपर भी, ये कश्मीरी मिर्च का साबुत कश्मीरी मिर्च, दैट्स इट, ये स्पेशल जो बॉम्बे से जो बेस्ट क्वालिटी कश्मीरी मिर्च है सर वही है ना, बटर एंड कश्मीरी, बटर एंड कश्मीरी। ये आ गया जी अपना प्लेट पे, हो गई अपनी प्लेट रेडी, तो मैं अभी आपको इसका टेस्ट करके बताता हूँ। ये आ गया जी साथ में कटा हुआ बारीक बारीक प्याज और नींबू। दोस्तों ये इनका क्लाउड किचन है, यहाँ सीटिंग का अरेंजमेंट तो नहीं है, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा भर भर के। बटर देखो भाई ने ना, अगर आप बटर के शौकीन हो ना जरूर मंगाना आप पाव भाई, बटर देखो है मजा आ रहा है ना, और ऊपर से हरा धनिया ये प्याज, तो ये पाव देखो, पाव भी दिखाता हूँ मैं आपको, बटर से लबालब पूरा। तो ये लेते हैं किसकी बाइट, ये आ गया जी पाव भाजी है ना दोस्तों, ये देखो क्या बात है। दोस्तों पाव भाजी में ना बटर पूरा भर भर के आ रहा है, पर हाँ बटर की आपकी इच्छा है, अगर आपने कम खाना है तो आप कम डलवा सकते हैं, और पाव भाजी ना अगर आपने कहीं खानी है तो सिर्फ इन्हीं की। ये ना जो फ्लेवर आ रहा है इसका, टेस्ट आ रहा है,
पाव का पाव और पाव भाजी जो भाजी होती है प्योर मुंबईया वाली। ये देखो दोस्तों मुझे तो टेस्ट इतना बढ़िया लगा ना ऑर्डर करना। और आपको इसका टेस्ट कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो दोस्तों बड़ा पाव के लिए पाव कटिंग हो गया। ये बड़ा पाव टिक्की बनाते हैं तो इसको फ्राई करना पड़ा। ये गया जी। अगर आप क्वालिटी देते हो ना तो ऑर्डर की कमी नहीं आती आपको। जब से मैं आया हूँ तब से फटाफट ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं। ये बड़ा पहले निकाल लेते हैं। ग्रीन चटनी, ये इसके ऊपर ग्रीन सॉस, ये दोस्तों खट्टी मीठी इमली वाली खट्टी मीठी चटनी, ये चूरा है बेसन। अच्छा ये बेसन का चूरा। ये बड़ा बनाते हैं, ये बॉम्बे में बहुत स्पेशल है। इसी से टेस्ट आता है इसका चटनी है ये भी। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके पास क्वालिटी है ना तो आपको ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं, ग्राहक खुद आपको ढूंढता हुआ आएगा। आप जहाँ मर्जी बैठ जाओ। तो जब से मैं आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहा है। बड़ा पाव के लिए मिर्ची, हरी मिर्च के बिना बड़ा पाव का टेस्ट भी नहीं आता। ये अपना बड़ा पाव के लिए पाव को हाफ कटिंग कर लिया। ये कोई मसाला डाला है इन्होंने और ये सॉस, ये खट्टी सॉस है ना। और ये आ गई अपने ऊपर ग्रीन वाली। ये आ गया जी बेसन का चूरा जो बड़ा बनाते हुए निकलता है। तो ये आ गया जी ऊपर अपना बड़ा। और ये आ गई ऊपर लाल मिर्च फ्राई की हुई। अब मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखो मिर्च आ गई, बीच में वो चूरा, ठीक है, और सॉसेज लगी हुई है, गरम गरम है। अब इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों। बड़े दिनों बाद मैंने बड़ा पाव खाया, वो भी मुंबई वाला टेस्ट। ये हरी भी होती है फ्राई की हुई, और जो उसका मसाला है ना और जो बीच में बेसन का चूरा है उसका टेस्ट आ रहा है क्रंचनेस, और ऊपर से पाव का सॉफ्टनेस, दोनों का ना मतलब मैं आपको टेस्ट बता नहीं सकता। दोस्तों आप ना एक बार यहाँ ऑर्डर करके ट्राई करके देखना और अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स करके ज़रूर शेयर करना। दोस्तों ये मैं खा रहा हूँ, तब तक आप आगे की वीडियो देखो। सर ये है मिसल, मिसल। अच्छा इसको पहले बना के रखना। हाँ जी, ये पूरे स्प्राउटेड है। ये हम लोग इसको एक दिन पहले पूरा भिगो, मतलब दो दिन लगते हैं हमें प्रोसीजर के लिए कि एक दिन पूरा भिगो के रखना है, देन हमें उसे कपड़े में बांध के। अच्छा उसके बाद ये जैसे बनाते हैं। हाँ जी ये ये देखो दोस्तों अभी आपको मैंने दिखाया था, ये इन्होंने पहले बना के रखना पड़ता है मिसल के लिए। ये जैसे हमारे सब्जी कह देते हैं। हाँ जी है ना, वही करीब है ना। ये क्या क्या डालते हैं इसमें? इसमें चना है। अच्छा और अपनी मूंग दाल होती है। अच्छा मूंग दाल और हाँ चना। जी चना है। और ये एक पंजाबी में क्या बोलते हैं वो नहीं मालूम, महाराष्ट्र में इसको वटाना बोलते हैं। हाँ सूखे वटाना। हाँ ओके ओके। तो वो सारे ये है स्प्राउटेड है। ये साथ में क्या है? ये फरसान है, ये इसके ऊपर डाल के खाई जाती है। अच्छा इसको क्या कहते हैं? फरसान। फरसान ये भी हमने बनवा के लिए है। अच्छा ये स्पेशल। हाँ जी हाँ जी। तो ये दोस्तों मिसल के लिए प्लेटिंग होने लगी। तो ये आ गई अपने ये स्प्राउट। ये मैश पोटैटो आ गए जो बड़े के लिए भी यूज होते हैं। अच्छा इसको ऐसे रखा जाता है, इसमें डाला जाता है। तो ये ग्रेवी इसके ऊपर और डाली जाती है। अरे हाँ ये रोगन जोश इसका, ये इतना नहीं है क्योंकि यहाँ लोग नहीं खाते थे। थोड़ा स्पाइसी कम रखा है हमने सो दैट पीपल कैन ईट। सब बड़े छोटे बुजुर्ग सब खा सकते हैं। सब खा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप बोल सकते हैं। तो ये आ गया साथ में नींबू और ऑनियन जो कि अभी बारीक काटा हुआ था इन्होंने। ये थोड़ा सा ऑनियन इसके ऊपर और ये जो मिक्स किया हुआ था ये इसको बनाने का ढंग। और ये पड़ेगा नींबू। तो मैम ये आप सारा कंप्लीट करके देते हैं या ये ये हम बॉक्स में ये हम फॉइल में देते हैं। अच्छा और प्याज और ये सेपरेट देते हैं, आलू भी सेपरेट देते हैं हम। सिर्फ स्प्राउट्स को एक डब्बे में डाल के, नहीं आलू को और स्प्राउट्स को एक डब्बे में डाल के देते हैं, और बाकी जो इसकी तरी होती है मतलब जो इसकी ग्रेवी है वो भी हम फॉइल में डाल देते हैं। और पाव इसके साथ सिंपल होते हैं। हाँ जी सिर्फ सिंपल पाव जैसे रोटी होती है साथ में रोटी जो इसका खा सकते हो खोल के। तो दोस्तों ये देखो ये अपनी प्लेटिंग रेडी। तो दोस्तों ये अपना आ गया मिसल पाव का, ठीक है प्लेटिंग देखो आप आ रहा है ना मुँह में पानी। तो अभी मैं फिर इसका टेस्ट करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये है मिसल पाव, ये हमने तोड़ा एक पाव। तो ये देखिए ये इन्होंने बताया कि इसको आलू
और इसके साथ डिप करेंगे। देख के आ रहा है मुँह में पानी के नहीं? अब मैं करके दिखाता हूँ इसका टेस्ट। दोस्तों प्योर मुंबई वाला टेस्ट आपको यहीं पे मिलेगा। फ्लेवर मतलब एक एक चीज़ का टेस्ट आ रहा है ना, ये देखो कितनी आइटम्स हैं इसमें। अरे क्या बात है दोस्तों, एक बार ना ट्राई ज़रूर करना। ये मिसल पाव ना बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मुझे तो। अब दोस्तों देखना, अब आएगा इसके फ्लेवर का सही मज़ा, क्योंकि एक हाथ में कैमरा होने के कारण ना ये इसको फिर डिप कर लो। इसकी ऑनियन भी आ गया ऊपर, नींबू मैंने डाल ही लिया था। ये बता रहे हैं भाई साहब कि इसमें 15 तरह के पसान, जैसे हम इसको नमकीन भी कह सकते हैं, नमकीन की वैरायटी। पर यार खाने में इतना टेस्टी लग रहा है ना दोस्तों, आप मेरे कहने पे एक बार इसका ऑर्डर करना और फिर कमेंट करके नीचे बताना कि आपको इसका टेस्ट कैसे लगा। अगर आपको इसकी ग्रेवी कम लग रही है तो ये साथ में ग्रेवी में देते हैं। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, आप खुद और डाल सकते हैं। ये देखिए है ना इसको। अच्छा एक और बात, अगर पाव नहीं ना, पाव के बिना खा के देखना। ये देखो दोस्तों ये मिसल, जो हम इसको सब्जी भी कह सकते हैं, जो ये मिसल है ना, इसमें जो इन्होंने आइटम्स डाली हैं उसका बड़ा सही फ्लेवर आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट नीचे जरूर बताना। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को अभी तक, वो सब्सक्राइब भी कर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ।